अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगों और दिव्यांगों के हितों को लेकर काम करने वालों को सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने सम्मानित किया। साथ ही दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इस दौरान कार्यक्रम में दिव्यांगों और मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल पहले मंत्री मेघवाल ने यह कहा था कि पंचायती राज और निकाय चुनाव में दिव्यांग जनों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद दिव्यांग जन कार्यक्रम में पहुंचे और मंत्री के इस बयान पर माफी मांगने की बात कही। लेकिन इसी बात से नाराज होकर मंत्री ने दिव्यांग जनों को कार्यक्रम से बाहर निकालने की चेतावनी भी दे डाली। हालांकि बाद में मंत्री बोले, ये मेरे स्तर का मामला नहीं है, सीएम स्तर का मामला है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार बनी, उस समय प्रथम कैबिनेट बैठक के अंदर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये की पेंशन को 750 रुपये और 750 रुपये की पेंशन को 1000 रुपये करने की घोषणा की और चालू हो गया। लेकिन विशेष योग्य जन के लिए आपको मैं कहना चाहूँगा, 1000 की जगह 1250 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा 3% आरक्षण का पहले था, और 3% आरक्षण जो हमारी सरकारी नौकरियां थी उनमें हमारी विशेष योग्यजन को 3% आरक्षण मिलता था, लेकिन राजस्थान के अंदर 3% की जगह हमने 4% आरक्षण कर दिया और आज 4% आरक्षण सरकारी नौकरियों में